पुणे से विक्रम पारिक हैं लाइन पर। विक्रम जी स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार। एक क्वेश्चन है जिसमें मेरा जो एक ऑफिस है उसका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है और नॉर्थ वेस्ट बड़ा हुआ है जी। और साउथ वेस्ट 90 डिग्री है और साउथ ईस्ट 90 डिग्री है। बहुत अच्छी बात है। नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ होना खराब है लेकिन साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट 90 डिग्री है तो एटलीस्ट कुछ राहत है हमें। नॉर्थ ईस्ट में येलो कलर आपने करवाना है और एक बहुत ही बड़ा लुकिंग ग्लास लगवाना है। इसके साथ साथ आप एक सिट्रिन का रॉक अगर नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आपकी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वह सॉल्व हो सकती हैं जी। डॉक्टर साहब डोली घर से जाती है और फिर दूसरे घर में आती है, उससे जुड़ी कुछ बातें आप शेयर करना चाहें तो? श्योर। जब भी हम बारात आने की बात करते हैं, सेटलमेंट की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, डोली नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन से जानी चाहिए। बारात को आप नॉर्थ से लेकर के आएँ, ईस्ट से लेकर के आएँ, ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट से लेकर के आएँ, लेकिन डोली नॉर्थ वेस्ट से जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जी। डॉक्टर साहब अरुणा है शिमला से लाइन पर। अरुणा जी स्वागत है आपका। थैंक यू। हेलो जी अरुणा जी, अपना सवाल पूछें। ऐसा है कि ये हमारा मकान जो बना है इसका पीछा ज्यादा चौड़ा है इसलिए शेर मुंह है कहते जी। तो जब से मैं इस मकान में आई हूँ मेरे को पैरालाइज हो गया। देखिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। पीछे की तरफ अगर आपका मकान चौड़ा है तो वह शेरमुख नहीं बनेगा, गौमुख बनेगा। तो आगे से चौड़ा नहीं है यही, तभी आपका गौमुख मकान बनेगा। तो इसमें आप पीछे भारी पेड़ लगा सकते हैं, भारी भारी मिट्टी के गमले रख सकते हैं, इससे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। और साहब डोली के डिपार्चर की हमने बात कर ली किस दिशा से आए, जब डोली घर में आती है किसी में तो उसमें भी कोई विधान होना चाहिए? ओवरऑल यही होना चाहिए कि जगह अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए और शादी वाले घर में बहुत सी जगह अस्त व्यस्त होती है। तो जहाँ पे भी डोली आती है, जहाँ से अगर आप विदाई करते हैं तो उससे आप बिल्कुल डेकोरेट करके रखें, अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड रखें। वेद प्रकाश हैं हरियाणा से लाइन पर। वेद जी स्वागत है आपका। हाँ सर नमस्कार जी। नमस्कार वेद प्रकाश जी। सर मेरा ये जो ईस्ट और साउथ साइड में, ईस्ट वेस्ट साउथ जो पड़ता है उसमें फर्स्ट में है ड्राइंग रूम और उसके बाद में किचन है, तो क्या ठीक है कि नहीं? हो वेद प्रकाश जी आपने जो डायरेक्शंस बताई हमें कंफ्यूजन है, ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे बताया, तो यह डायरेक्शंस नहीं बनती हैं। 8 डायरेक्शंस मानी जाती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, यह 4 मेन डायरेक्शंस हैं। इनके बीच में जो कोने होते हैं वह साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, इस प्रकार डायरेक्शंस बनती हैं। डॉक्टर साहब घर की सजावट की हम बात कर चुके हैं, कारों वगैरह की सजावट भी की जाती है, फूलों का इस्तेमाल होता है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। डेफिनेटली आजकल डोली कार पर ही जाती है क्योंकि आप टोटल मॉडर्न हैं और कार पर ही डोली ले जाना अच्छा रहता है क्योंकि दूर भी हमने जाना है। तो कार को फूलों से सजाएं, फॉर श्योर सजाएं, और जो भी आपके रिचुअल्स हैं इसमें आप ज़रूर करें। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कार को कभी भी रिवर्स ना करें जब भी डोली पे आप और आपकी दुल्हन बैठ जाती हैं जी। कन्हैया लाल जी हैं लाइन पर हमारे साथ। कन्हैया जी स्वागत है आपका। मेरा जो घर है जी उत्तर और दक्षिण दिशा में है और एंट्रेंस पूर्व दिशा में खुलता है जी, तो इसका मेरे कलर करने का है तो कौन सा कलर करें? आपने बताया कि नॉर्थ फेसिंग है आपका घर, नॉर्थ ईस्ट से आपकी एंट्री है, तो आप इसमें लेमन कलर कर सकते हैं, लाइट ग्रीन कलर कर सकते हैं, क्रीम कलर भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, शादी वाले घर में नज़र दोष, नज़र लगना, नेगेटिव एनर्जीज आना, यह भी बहुत कॉमन बात है, तो आप इनसे ज़रूर बचें। लाइव वास्तु सॉल्ट का मैं यहाँ पे यूज़ आपको बताऊँगा, दरवाजे के दोनों तरफ अंदर की तरफ आपने लाइव वास्तु सॉल्ट बड़े बड़े बाउल में डाल के रखना है। सुबह और शाम लाइव वास्तु जल आपने स्प्रिंकल करना है चारों तरफ। एक दाहिनावर्ती शंख लें आप और उसमें चावल भर के आपने अपने मंदिर में रखना है और जब तक जितने भी गेस्ट आपके घर में आए हुए हैं वे वैसे ही रहे, इससे पूरे घर में बरकत बनी रहेगी और आपके घर में कमी भी नहीं होगी, नज़र भी नहीं लगेगी।
दाहिनावर्ती शंख भगवान विष्णु के दाहिने हाथ में माना जाता है कि रखते हैं वह, और बहुत ही प्रॉस्पेरस है। समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी के साथ साथ दाहिनावर्ती शंख भी समुद्र मंथन के समय आए थे ऊपर, तो दाहिनावर्ती शंख घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। डॉक्टर साहब, भावना है जयपुर से लाइन पर। भावना जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार, मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ, प्रमोद जी। नमस्कार प्रमोद, बताइए। सर ये हमारे घर जैसे साउथ वेस्ट में हमारा बेडरूम है, और घर में आर्थिक मतलब ज्यादा हालात ठीक नहीं है, वो नहीं होता, तो कोई सामान्य उपाय बताइए, मतलब नॉर्मल जो उपाय हो जो अपन कर सके, भाई घर में सुख शांति रहे, आर्थिक हालात जी। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आर्थिक हालत अगर आपने एकदम अच्छे तरीके से ठीक करनी है तो नॉर्थ को आप बिल्कुल हल्का कीजिए, लाइट कीजिए, स्टोर हटा दीजिए, टॉयलेट हटा दीजिए, यहाँ पे लेमन कलर करिए, सिट्रिन रॉक जहाँ पर भी आप पैसा रखते हैं वहाँ रखिए, गोमती चक्र रख सकते हैं 11 की गिनती में, ओम श्री श्रीय का जाप करके हर एक गोमती चक्र पे 11 बारी आप जाप करें और वह रख दें, लक्ष्मी कौड़ी भी आप रख सकते हैं जी। डॉक्टर साहब संदीप हैं दिल्ली से हमारे साथ, संदीप जी स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब नमस्कार, हमने नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखा हुआ है जी, बहुत अच्छी बात है जी, उसके ऊपर हम चाहते हैं कॉर्नर लगा के छोटा, जैसे आपने झरना बताया है वो झरना रखना चाहते हैं, हम लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मंदिर के ऊपर कुछ भी नहीं लगाना है आपको, बिल्कुल प्लेन रखना चाहिए जी। डॉक्टर साहब कुछ और बातें अगर हम कहें, हम नजर दोष की बात कर रहे थे, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। बिल्कुल, मैं एक बहुत ही सुंदर उपाय बताना चाहूँगा नजर दोष के लिए। नजर बट्टू का एक फल हमें साउथ इंडिया से अवेलेबल होता है, ये बहुत ही रेयर फल है, एक पेड़ पर यह काले रंग का फल लगता है, इसके साथ एक रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन करके अगर आप नजर बट्टू तैयार करते हैं और वह अपने मेन दरवाजे पर लगाते हैं, मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, और जहाँ पर दुल्हन का कमरा है वहाँ लगाते हैं, ओवरऑल अपने पूरे घर में 2-3 जगह यूज करते हैं, तो इससे कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज हट जाती हैं, इसे नजर बट्टू कहा जाता है, आप इसे जरूर यूज करें, खास तौर से शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन अगर आप लगाते हैं तो बहुत इसके अच्छे आपको यूजेस मिलते हैं। डॉक्टर साहब लड़की या लड़के के माँ बाप या और बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके ध्यान रखने के लायक कुछ बातें भी आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि गीत संगीत चलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो आप क्या करते हैं कि प्लेट ले लेते हैं, चम्मच ले लेते हैं और उसे बजाने लग जाते हैं, बच्चे भी ऐसा करते हैं अक्सर, दीवार पर हम बजाने लगते हैं, टेबल को तबले की तरह बजाने लगते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। कभी भी प्लेट चम्मच को नहीं बजाना चाहिए, टेबल को नहीं बजाना चाहिए, अपने शरीर को नहीं बजाना चाहिए, यह लाइव वास्तु के बहुत ही अच्छे उपाय हैं जो कि पूरे स्क्रिप्चर्स यानी कि जितने भी हमारे पुराण हैं मैंने इनसे सीखे हैं, और मैं बताना चाहता हूं कि आप भी ऐसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। डॉक्टर साहब कुछ खास तरह की साउंड्स चैंटिंग्स उनका भी इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए बहुत कॉमन है, अगर आप किसी भी कल्चर की बात करते हैं तो सबके फोक सॉन्ग्स जरूर होते हैं आपके रिचुअल को लेकर के, शादी का मौसम है तो शादी के सॉन्ग्स जरूर बजाइए, क्योंकि जैसा माहौल वैसे आपका मन बन जाता है, तो पंजाब के कल्चर में जाते हैं तो पंजाबी सॉन्ग्स सुनने को मिलते हैं, किसी भी तरफ में हम जाएं तो फोक सॉन्ग्स फोक म्यूजिक बहुत ज़रूरी है, तो अपने कल्चर को बिल्कुल भी ना भूलें, मेरा यही मानना है।